अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां इस वायरल वीडियो को आप भी देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम रोशन चंद्राकर है। हैरानी इस बात की है कि जिस शख्स को जेल में बंद होना चाहिए था, वो शख्स होटल के अंदर मौज मस्ती कर रहा है, मिठाइयां और समोसे खा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले का ये आरोपी बड़े आराम से घूम रहा है। इतना ही नहीं, जेल की कोठरी में बंद होने के बजाय अपनी पत्नी और बच्चों के संग होटल में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। दरअसल रोशन चंद्राकर अभी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि रोशन चंद्राकर के होटल में मौज मस्ती करने का वीडियो 2 अगस्त का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रोशन चंद्राकर नाम का ये शख्स इलाज के बहाने जेल से बाहर निकला था। इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल को भी आरोपी के साथ भेजा गया, लेकिन दोनों अस्पताल जाने के बजाय होटल वेलिंगटन पहुंच गए और दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आरोपी होटल में ही टाइम स्पेंड करता रहा। जेल से बाहर निकलने के बाद रोशन चंद्राकर होटल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे पहले से ही मौजूद थे, जिसके बाद रोशन चंद्राकर होटल में अपनी पत्नी के साथ समय बिताए, जबकि इस दौरान जेल प्रहरी रोशन के बच्चों को होटल के बाहर घुमाता रहा, रोशन चंद्राकर के परिवार की आवभगत करता रहा। तो वहीं मामला उजागर होने के बाद डीजी जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है, साथ ही आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले रायपुर जेल में बंद रसूखदार कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप पहले भी लग चुके हैं।